गाइस, गुड मॉर्निंग। और बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ और आप लोगों को लोकेशन फुल चेंज लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं हूँ अपने गांव में, बिहार में। तो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले आ गई थी, लेकिन आप लोग से मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया था। बस मेरा मन नहीं था ब्लॉग करने का, और बहुत टाइम से भी मैं वीडियोज़ बनाने का सोच रही थी, पर ना ऐसा एनर्जी नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या वीडियोज़ बनाऊँ, कुछ क्रिएट करूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो फिलहाल फाइनली आज मेरा मन हुआ कि चलो कुछ आप लोग से बातें कर लेते हैं, थोड़ा इन्फॉर्म कर देते हैं कि अपन कहाँ है, क्यों वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी पूरे दिन का। तो अपने गांव में हूँ, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको ऑब्वियसली। एंड अभी पीछे फिलहाल मेरा व्यू देखो, पूरा खेतों का व्यू है और यहाँ पे ग्रीनरी है, तो बहुत ही सुंदर व्यू है। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा सा चिल करूँगी, चाय वाय पीऊँगी और आप लोग से शेयर करूँगी कि पूरे दिन हम क्या करेंगे। ये क्लास है? नहीं, इसमें पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं होता है इसमें। आओ ना, वीडियो कर रही हो तो मैं शर्मा क्यों रहे हो? वीडियो कर रही हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पंचवा में। ये स्कूल में? हाँ। कौन सा है तुम्हारा क्लास? क्लास कौन सा है तुम्हारा? अरे कहना क्या चाहते हो? इधर कहाँ पे, कौन सा क्लास में है तुम्हारा? ऊपर में। अच्छा पढ़ाई होता है? आप लोग कहाँ पढ़ते हो? इसी में, यही स्कूल में? सेवेंथ क्लास में? नहीं, इसकी क्लास में साथ में। ओ, दोनों फ्रेंड है? फ्रेंड है दोनों की, भाई बहन हो? फ्रेंड है ना। बहुत अच्छा है स्कूल, मैं स्कूल देखूंगी। तो ये है हमें क्लास के अंदर। ये पहले इसमें मतलब जब पानी वानी नहीं भरा होता ना, उस समय इसमें पढ़ाई होती थी। वैसे क्लास काफी अच्छा है, बैठने के लिए सीट नहीं है, बच्चे नीचे बैठते थे, बट बहुत सुंदर है। पूरे ऐसे डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये तो सर्कल शेप में बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा था। ये देखो पीछे कौवे, प्यासी कौवे की कहानी जो हमने बचपन में बहुत पढ़ी है, ऊपर में एबीसीडी वगैरह है। नाइस यार, अच्छा लग रहा है। क्लास एट तक है, तो फिफ्थ से लेके एट तक के क्लासेस यहाँ पे होते हैं। और ये देखो ये छोटे बच्चों का क्लास होगा, शायद फाइव क्लास का क्लास होगा ये। और कितना सुंदर है, ये सभी चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पे, प्रिंट वगैरह सभी चीज़ें वॉल पे बनाई हुई है बहुत अच्छे से। और बाकी दूसरे क्लासेस देखते हैं अभी जाके, और हमने थोड़े से रील्स वगैरह भी बनाए हैं। अगर आप लोग को मेरे रील्स देखने होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड चलो आगे देखते हैं और क्लासेस। तो ये स्कूल के क्लासेस जो कि बंद है, अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से दिखाती हूँ आप लोग को। वीडियो बना दिए? ये स्कूल का पूरा ग्राउंड। तो मैंने आप लोग को दिखाया स्कूल, बहुत ही प्यारा सा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं वापस, और पीछे पूरा खेत वेत है, गोभी लगे हैं, बहुत सारी चीजें लगी हैं खेत। अभी गोभी होनी शुरू हुई है क्योंकि पानी पूरा एरिया में भरा हुआ था। अभी भी ना वहां दूर में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, पानी अभी भी भरा हुआ है, बट यहाँ पे पानी कम हो गया, जो हुआ नहीं है ना, नहीं हुआ अभी। वाह, देखो यहाँ का व्यू कितना मस्त है। विशाल, इसका है आज बर्थडे, तो हम इसके लिए केक भी लेने गए थे। तो ये रहा केक, खाएंगे मन से। ये केक है और हम करेंगे रात को थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे, है ना विशाल? तो विशाल हमारा हो गया 8 साल का, बड़ा हो गया विशाल, है कि नहीं? कुछ तो बोल। कुछ बोलता ही नहीं, शर्मा आ रहा है। तो हाँ, मेरी शक्ल अच्छे से नहीं दिखी होगी क्योंकि धूप पीछे से आ रही है। मैं ये पूरा बैम्बू ट्री है। हाँ,